हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जोसेफ हियर, और स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था हम लोग ये साफ करने वाला, आप देखिए कितना साफ हो चुका है यहाँ पे, बहुत प्यारा से हमने साफ किया है दोस्तों। दोस्तों अभी हमने फ्रेश अप हो गया, ब्रश व्रश कर लिया अभी, और अभी हम लोग पियेंगे चाय दोस्तों, और आपको दिखाता हूँ मैं चाय बना के। और मम्मी ने एक यहाँ पे वाइल्ड पोटैटो है बॉयल करके रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हीज ग्रीन है, वाइल्ड पोटैटो है। अभी इसको खाएंगे चाय के साथ और आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से दूध लेंगे दोस्तों, दूध लेंगे फिर चाय बनाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हमारा चाय बन रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ मैं। अभी चाय वाय पियेंगे फिर खाना खाएंगे दोस्तों, खाना भी नहीं खाया अभी तक, चाय पीने के बाद खाना। तो देखिए दोस्तों हमारा चाय उबल चुका है, अब इसको और थोड़ा उबालेंगे फिर हम लोग पियेंगे दोस्तों इसे अभी। और ये केला दोस्तों हम लोग का अपना गच्ची का है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई दवाई ववाई ऐड नहीं किए, अपना गच्ची का केला है दोस्तों। एक खाके देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। तो दोस्तों एक केला खाके देखते हैं अभी स्वाद कैसा है, बहुत ऑर्गेनिक है, कोई दवाई ववाई ऐड नहीं किया हमने, अभी खाके देखते हैं दोस्तों। बहुत मीठा है दोस्तों, इसमें कोई दवाई वैसा बैठ नहीं गया है, खुद पका हुआ है गच्ची में, बहुत मीठा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग चाय पी रहे हैं अभी, चाय बहुत मजा है दोस्तों। और यहाँ पे है हिजगिन, देखिए आप एक खाके देखते हैं दोस्तों कैसा है यहाँ का हिजगिन। बहुत स्वीट है दोस्तों, चाय का साथ पी के अच्छा लगता है बहुत ही। आप लोग ऐसे खाते हो कि नहीं कमेंट में बताना दोस्तों सभी। तो चलिए मैं खा लेता हूँ फिर खा के मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने मेरा खाना निकाल लिया है, अभी खाना खाऊंगा। आप देख सकते हो अंडा है, आलू फ्राई है, दाल है और नींबू है दोस्तों। सो या अभी खाना खा लेते दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो शाम हो चुका है, अभी थोड़ा घूमने जाएंगे, आपको अच्छा नजारा दिखाएंगे अपना होम टाउन का, फिर मछली खरीदेंगे दोस्तों। मछली आज पत्ता में रोस्टिंग करेंगे हम लोग, और उसका प्रोसेस भी दिखाऊंगा कैसे रोस्टिंग किया जाता है। तो तब तक आप नज़ारा देखिए और या वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग घूम के आ लिया और फिश भी ले लिया। सो रात का नज़ारा ऐसा है हमारा होम टाउन का, आप देख सकते हो ये डेली मार्केट है, और मीट वो आगे में मिलता है दोस्तों, और मार्केट कुछ इस तरह है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये है ओनियन, इसका खुशबू बहुत प्यारा आता है दोस्तों, और इसको हम लोग ऐड करेंगे इसमें। तो मम्मी करेंगी, मुझे इतना आता नहीं है, तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करना है। तो हमने ओनियन को साफ कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों ये है फिश, हाफ किलो लेके आया, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि घर पे सिर्फ तीन मेंबर है, मम्मी है, मैं हूँ और मेरा मामा है, तो हम तीनों के लिए हाफ किलो काफ़ी होता है दोस्तों। अब इसको साफ करेंगे और आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हम लोग मिर्चा ऐड कर लिया, अभी हल्दी ऐड करेंगे दोस्तों, और हम लोग सबको एक साथ में ऐड करके बनाएंगे। और हमें क्या था कि इसमें आग में बनाने का बात था दोस्तों, लेकिन आग क्या हो रहा है कि इसका राख बहुत कम हो रहा है, कोयला कम हो रहा है, तो हम लोग इसको अब एक बर्तन में पकाएंगे, आपको दिखाता हूँ मैं सारा प्रोसेस। और इसमें हम लोग नमक भी ऐड कर लिया दोस्तों। और दोस्तों ये है यूप, जो आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, बेम्बू सूट को सुखा के बनाया जाता है, ये देखिए। और यहाँ भी है बहुत सारा है यूप। और लहसुन को दोस्तों हम लोग ऐसे गोटा से लगाने वाला है, अभी इसमें ऐड करेंगे हम लोग ओनियन, हम लोग का ये ट्रेडिशनल सब्जी है, इसको अभी ऐड करेंगे इसमें, और इसको अच्छा से मिक्स करके हम लोग जो आप ये पट्टा देख रहे हो इसमें अच्छा से रैप करके हम लोग पकाएंगे आप। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों मम्मी अच्छा से मिक्स कर रहे हैं सब पत्ता को,
और इसको मिक्स करने के बाद हम लोग पत्ता में डालेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, खुशबू बहुत प्यारा आ रहा है दोस्तों। ये अभी अच्छा से ऐड कर लिया हमने, ये अभी ये जाएगा दोस्तों पत्ता में। तो देखिए दोस्तों, मम्मी ने पत्ता भी निकाल लिया। ये यही पत्ता है जो लास्ट वीडियो में आपको मैं दिखाया था, जो हम लोग पुरांग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसका खुशबू बहुत अच्छा होता है दोस्तों। सो अभी इसको हम लोग पत्ता में डालेंगे दोस्तों, और हम लोग इसमें एक बांधने वाला है दोस्तों। ये रस्सी से, ये जो पट्टा यूज़ किया इसी का, ये दाल से बनाया जाता है ये रस्सी, तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। और जैसे कि ये आप देख सकते हो, मम्मी अच्छा से पैक कर रहा है। अभी ये रस्सी से बांधेंगे दोस्तों, तो ऐसा रैप करना है दोस्तों। देखिए ये हो गया, अभी इसमें ये रस्सी से बांध देंगे। अभी एक्चुअली ऐसे ही छोटा छोटा मतलब रैप करके हम लोग ये आग में लगाने के लिए प्लान था, लेकिन हमारा आग कम पड़ रहा है, तो अभी इसको हम लोग एक कंटेनर में बर्तन में बॉईल करेंगे। ये एक हो गया दोस्तों, आप देखिए, और हम लोग पत्ता में और करेंगे, एटलीस्ट दो या तीन तो आ जाएंगे इसमें। देखिए आप दोस्तों अच्छा से, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, अगर ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग एक बार ट्राई करना, खा के देखिए कैसे लगता है, फिर मुझे भी कमेंट में अपडेट करना दोस्तों कैसा हुआ है। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसको अच्छा से रैप कर लेना है। फिर ये रस्सी से बांध लेना है। ये किस लिए हम ऊपर में लगाया है, खुशबू उसका अलग है, इसलिए हम उसका वो नीचे में रखा है, उसका बाद वो खुशबू वाला पत्ता को हम ऊपर में रखा है। ये जल्दी पक जाता है ये वाला, हाँ। इसलिए इसको हम नीचे में रखते हैं। अच्छा, ये पत्ता अलग है, ये पत्ता अलग है। जी, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये वाला थोड़ा बड़ा साइज का पत्ता है, ये अलग और ये अलग, ये छोटा वाला है, इसका कुछ वो अलग है। इसको हम लोग ऐसे अंदर में ये कर देगा, तो देखिए ये लगा देगा, चार पत्ता हुआ है दोस्तों। ये लेकिन अलग खुशबू होगा, टेस्टी होगा, छोटा वाला ना, ये खुशबू वाला पत्ता सिर्फ है, इसको सिर्फ हम अकेला खाएंगे, किसी को भी हम दे देगा, हम अकेला खाएंगे। सही है, हो गया। इसे ऊपर में उतारेगा, उसका बाद हम पानी ऐड कर देगा इसमें दोस्तों। कितना समय लगेगा मम्मी ये पकने के लिए? समय लगेगा एक घंटा, एक घंटा तो इतना नहीं, आधा घंटा, आधा घंटा लगेगा अगर आग हीट होने से। ये देखिए दोस्तों, तो अभी आग को अच्छा से जला लेंगे दोस्तों, फिर पकने के बाद आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। हमने जैसे अभी खोला इसको, और अब फिश को देखिए कितना अच्छे से पका भी है, और या टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों कैसे हुआ है। अब देखिए अच्छा से पक गया है, और खुशबू बहुत प्यारा आ रहा है दोस्तों। वाओ गाइस, मजा आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक पीस है, खा के देखते हैं। बहुत गर्म है दोस्तों, बहुत अच्छा पका है दोस्तों। और ये है अंजोर पत्ता, खा के देखते हैं इसको भी। वाओ दोस्तों, क्या बात है, बहुत अच्छा है दोस्तों। और वीडियो यही तक था दोस्तों, हम लोग खाना वाना खाएंगे अभी। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। सो टिल देन बाय, और मिलते हैं एक नई वीडियो में कल दोस्तों। सो बाय दोस्तों।